प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट गठित करने की घोषणा की है। 15 सदस्यों के इस ट्रस्ट में दलित समाज से एक सदस्य शामिल होगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। राजधानी देहरादून के प्रदेश मुख्यालय में भी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तथ्यों के आधार पर इस केस की पैरवी की थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था और अब उसी निर्णय के आधार पर सरकार राम मंदिर निर्माण को लेकर एक ट्रस्ट बनाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं। एक गर्व का दिन है, एक स्वाभिमान का दिन है कि हमने आज जो 450 वर्षों से एक संघर्ष किया था, एक मांग की थी, उसका एक निर्णय निकला है। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पूर्व ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन आज लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत ट्रस्ट बनाकर इस कार्य का शुभारंभ किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं।